आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के सिलेबस में कितने लेसन्स हैं, हर एक लेसन का ओवरव्यू लेने वाले हैं हम लोग। हर एक लेसन्स के टॉपिक्स कौन से कवर अप हो जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज चलो कुछ नया पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये लेसन का ऑलरेडी तुमको आइडिया दिया गया है 9th स्टैंडर्ड में। इसमें हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एक्स और वाई के। तो ये साल आप नए मेथड्स और सीखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय ग्राफिकल मेथड एंड क्रेमर्स रूल। सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसे इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन नहीं है लेकिन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन में। और थर्ड टॉपिक जो कवर अप हो जाएगा वो लेसन में, वो है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस आर नथिंग बट यूजेस। वो लेसन का फायदा क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, ये सभी चीजें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में हम लोग पढ़ेंगे। सभी टॉपिक्स कवर अप कर देंगे जब हम लोग हमारा लेसन सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लेसन के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, टोटली नया लेसन है 9th के स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें मेथड कौन कौन से है, हाउ टू फाइंड द वैल्यू, उसमें मेथड्स में फैक्टराइजेशन, फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके थ्रू हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका नेचर ऑफ रूट्स, व्हाट आर द रूट्स, व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये सब पढ़ेंगे, नई चीजें हैं। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स क्या होता है। एंड फाइनली ये लेसन में भी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में। ये दोनों लेसन के एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्जाम में पूछते हैं दोनों लेसन के। तो थर्ड लेसन है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये टोटली नया लेसन है तुम लोगों के लिए। What is arithmetic progression? Sequence क्या होता है, नंबर जो सीरीज में होते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई वो सीक्वेंस एपी है या कोई दूसरा सीक्वेंस है। उसके बाद कोई भी एपी दिया रहेगा उसका एंड टर्म हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर कोई नंबर सीरीज दिया है उसका कोई भी टर्म कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड फाइनली जितने भी टर्म्स है उसका सम कैसे निकाल सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोग arithmetic progression में कवर अप करेंगे। So our next chapter is financial planning. फाइनेंशियल प्लानिंग का आइडिया आपको 9th से ही 9th स्टैंडर्ड से पता चला है फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। लेकिन ये साल 10th स्टैंडर्ड की फाइनेंशियल प्लानिंग टोटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पे करते हैं हम लोग, वो सब चीजें हम लोगों ने पढ़े थे। लेकिन ये साल फाइनेंशियल प्लानिंग में हम लोग कम्प्लीटली ट्रेडिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड में। तो ट्रेडिंग सिस्टम में जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसके बाद जीएसटी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई होता है, क्यों जीएसटी कंपलसरी इंडिया में किया है, ट्रेडिंग सिस्टम में जीएसटी कैसे अप्लाई होता है, मींस मैन्युफैक्चरर से लेके होलसेलर से लेके रिटेलर एंड रिटेलर से लेके कंज्यूमर तक ट्रेडिंग प्रोसेस में हर ट्रेडिंग स्टेज पे टैक्स गवर्नमेंट को कैसे पे करना पड़ता है। उसके बाद है जीएसटी इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स, टैक्स कलेक्ट करते वक्त और टैक्स देते वक्त, वो हम लोग टैक्स इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स में पढ़ेंगे। एंड उसमें लास्ट पार्ट है शेयर्स और ब्रोकरेज। शेयर्स ये नया पार्ट पढ़ने वाले 10th स्टैंडर्ड में। शेयर्स क्या होता है, व्हाट इज मार्केट वैल्यू, हर एक शेयर्स का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज फेस वैल्यू, ब्रोकरेज क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है। तो ये सभी चीजें हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग में ये साल पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेसन इज प्रोबेबिलिटी। ये भी नया लेसन है 10th स्टैंडर्ड में। तो प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी, कोई भी इवेंट होने की पॉसिबिलिटी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, तो उसके लेसन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसके हम लोग रिजल्ट्स विद इन अ सेकंड पता चलते हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है, जितने भी रिजल्ट्स रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के हैं उसको ही हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। और फिर फाइनली इवेंट क्या होगा, इवेंट फेवरेबल आउटकम्स रहेंगे सैंपल स्पेस को, इसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। एंड फिर और एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए लास्ट में हम लोग लेसन के लास्ट टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज करके वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें प्रोबेबिलिटी में पढ़ेंगे। एंड द लास्ट लेसन इज स्टैटिस्टिक्स। ये भी लेसन 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आइडिया हुआ है आपका स्टैटिस्टिक्स के बारे में। 9th में जो पढ़े थे हम लोग मीन मीडियन मोड, वो अनुरूप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए था। ये साल हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड में वो मीन मीडियन मोड ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए होगा। मीन में और तीन टाइप्स रहेंगे, मीडियन है और मोड है, तो उनके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करना है ये सभी हम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे।
काफी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आने वाला है इस बार स्टैटिस्टिक्स में, उसमें हिस्टोग्राम है, पाई डायग्राम है एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है. सो टोटली देयर आर सिक्स लेसंस एल्जेब्रा में. फर्स्ट लेसन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेकंड लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थर्ड लेसन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फोर्थ लेसन है फाइनेंशियल प्लानिंग, फिफ्थ प्रोबेबिलिटी एंड सिक्स स्टैटिस्टिक्स. सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, सेकंड लेसन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड योर लास्ट लेसन स्टैटिस्टिक्स. बोर्ड्स एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स यही लेसन कैरी करते हैं. फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड्स हम लोग हमारा फर्स्ट लेसन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लेसन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में. ओके, थैंक यू.